हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे में ब्यास नदी के किनारे माँ ज्वाला के परम भक्त ध्यानु ने अपना अंतिम समय गुजारा था और करीब 20 साल तक वह माँ ज्वाला की भक्ति की थी। जिस स्थान पर भगत ध्यानु ने समय गुजारा था उसी जगह पर ध्यानु भगत की समाधि सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आज के समय में ध्यानु भगत की समाधि खंडहर बनती जा रही है और ये स्थान गुमनामी के अंधेरे में डूब रहा है, जिसको देखते हुए एच2डे की टीम द्वारा की गई विशेष रिपोर्ट। माँ ज्वाला माता के चरणों में अपना सिर काटकर भेंट करने वाले भक्त ध्यानु का जिक्र आते ही मुगल सम्राट अकबर का शासन याद आता है। जिस समय सम्राट अकबर ने ध्यानु भक्त की भक्ति की परीक्षा लेते हुए माँ ज्वाला का अपमान किया था, जिस पर माँ ज्वाला ने अकबर का अहंकार तोड़ा था। माँ ज्वाला के भक्त ध्यानु का नाता हिमाचल के हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे से जुड़ा हुआ है। हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे में ब्यास नदी के किनारे ध्यानु भक्त ने अपना अंतिम समय गुजारा था और करीब 20 साल तक भक्ति की थी। जिस स्थान पर भक्त ध्यानु ने समय गुजारा था उसी जगह पर ध्यानु भक्त की समाधि सैकड़ों साल पहले बनाई गई है, लेकिन आज के समय में ध्यानु भक्त की समाधि खंडर बनती जा रही है और ये स्थान गुमनामी के अंधेरे में डूब रहा है। नादौन में भक्त ध्यानु ने अपने अंतिम समय में संतों के साथ समय बिताया और नादौन में ही रहकर माता तारा रानी की कथा की रचना भी की थी, जिसका गुणगान आज भी माता के जागरण के समय होता है और माता तारा रानी की कथा के बिना कोई भी जागरण संपन्न नहीं होता है। बड़ी विडंबना है कि माता ज्वाला के परम भक्त ध्यानु की समाधि स्थल सैकड़ों सालों से दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की सुध लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है। हालांकि कुछ साल पहले ध्यानु भक्त ट्रस्ट के द्वारा मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के सहयोग के बिना ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ध्यानु भक्त ट्रस्ट के चेयरमैन गौ स्वामी ने बताया कि ध्यानु भक्त की समाधि स्थल की दशा को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में स्थान को भव्य बनाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने भी समाधि स्थल की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की और कहा कि सरकार की ओर से भी इस ओर कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। देखो सर, ये बड़ा ही ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक पुरुष का मंदिर है और ना तो ध्यानु जैसा भक्त हुआ ना होगा ना कोई है, परंतु इसके लिए आज दिन तक लगभग 450 वर्षों में, पहले तो मुगलों का शासन था, उसके पश्चात भी जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के में भी ज़्यादा प्रयास इस विषय में नहीं किए गए और इस स्थान का जो महत्व है वो एक कागजों तक ही सीमित रह गया। परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया, यहाँ पर यद्यपि पहले कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट कर ली गई थी, अब यहाँ पर के जो इस मठ के जो महंत हैं उन्होंने कुछ कानून पहलुओं के ऊपर भी लड़ाई लड़ने के बाद एक यहाँ के ट्रस्ट का गठन किया है, जो 2010 में ध्यानु भक्त मंदिर ट्रस्ट, मंदिर निर्माण ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का गठन हुआ है। वह ट्रस्ट जो है निरंतर इस ध्यानु भक्त मंदिर निर्माण के बारे में विचार विमर्श कर रहा है। 2015 से लगातार ध्यानु जयंती के ऊपर 24 जून को ध्यानु जयंती का मनाई जाती है, 24 जून को यहाँ पर से लगातार यहाँ पर जागरण होता है और 2007 में नरेंद्र चंचल भी जो हैं वो ध्यानु जयंती के ऊपर आकर के हैं कि जागरण कर चुके हैं, परंतु तब से लेकर के यदि जागरण तक तो बात ठीक थी परंतु मंदिर निर्माण के बारे में कोई भी विचार आगे नहीं बढ़ रहा था। परंतु अब मंदिर ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया है कि इस बार
24 जून का जो ध्यानु जयंती है वो ध्यानु जयंती उत्सव के रूप में मनाई जाएगी, जहां पर देश विदेश से पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और यहां एक भव्य मंदिर के निर्माण का एक शिलान्यास करेंगे। जबकि ट्रस्ट का एक प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहाँ आकर के मंदिर का की आधारशिला रखें और एक इस पुण्य कार्य का शुभारंभ करें। और ये जो मंदिर का जो प्रोजेक्ट है लगभग जिसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसमें इसके अलग अलग पहलू हैं, जहाँ से नीचे जो ब्यास नदी के किनारे पर एक ध्यानु घाट का निर्माण किया जाएगा और इसी मंदिर के अंदर जो है एक ध्यानु स्मारक बनाया जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए मंदिर सराय का निर्माण किया जाएगा और लंगर हाल की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा जो ध्यानु भक्त मंदिर जो ट्रस्ट है वो अपना विचार रखता है। समाज सेवी शांतनु कुमार ने बताया कि अक्सर समाधि स्थल पर आते हैं और माथा टेकते हैं, लेकिन समाधि वाली जगह की हालत दयनीय बनी हुई है, जिस कारण माता के भक्त ध्यानु की समाधि को देखकर दुख होता है। मेरा नाम शांतनु कुमार है, यहाँ की एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और माता की मैं भक्त हूँ और कई सालों से मैं यहाँ आता हूँ यहाँ दर्शन के लिए। तो मुझे इस बात की बड़ी अफसोस है कि जहाँ माता की इतने बड़े बड़े भक्त हैं जिनका नाम ध्यानु भक्त के नाम से पूरा हिंदुस्तान में नाम चलता है, जितने बड़े भक्त हैं जो 3 बार अपने शिष्य को माता के चरण में काट के प्रसाद के तौर पर चढ़ाया और वो इतना जिद्दी थे, माता को मनाते थे, और ऐसा भक्त की ऐसा समाधि स्थल ध्यानु भक्त समाधि आज खंडर के रूप में पड़े हुए हैं, जिनका आज तो किसी ने सूद लेने वाला कोई नहीं आया, लेकिन कुछ भक्त में से ऐसा कुछ लोग इकट्ठा होकर ध्यानु भक्त समाधि ट्रस्ट बनाया, जो कि अथक प्रयास कर रही है इस स्थान की प्रगति के लिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसमें पूरा हिंदुस्तान से हर एक कोने से लोगों में इन ढूंढना पड़ेगा और उनकी सहयोग देना पड़ेगा तभी ताकि ये समाधि की गति की जा सके। यहाँ लोगों का कहना है कि ध्यानु भक्त के नाम को लोगों ने याद नहीं रखा है, हालांकि इस जगह पर ध्यानु भक्त ने अपना अमूल्य समय बिताया है। उन्होंने कहा कि ध्यानु भक्त की समाधि वाली जगह पर भव्य स्थान बनाया जाना चाहिए ताकि माता के भक्त को याद किया जाए और लोगों को इस जगह का पता चले। मंदिर जो है इसके बारे में तो ध्यानु भक्त जी के बारे में कौन नहीं जानता है, जिन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए या माँ भगवती के प्रति लोगों की आस्था जगाने के लिए अपना सिर काट के रख दिया था। उस ध्यानु भक्त जी की जो समाधि है नदौन में ब्यास नदी के किनारे पर है और ऐसा भक्त ना पहले हुआ ना होगा कभी। तो इन ध्यानु भक्त जी की जो जयंती है 24 जून को मनाई जाती है और इस जयंती को इस बार ध्यानु भक्त जयंती उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उस दिन यहाँ पर इनके मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष तो क्या देश विदेश में जहाँ भी माँ के भक्त हैं और माँ के प्रति जो श्रद्धा आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो इस दिन इस पुण्य कार्य में उपस्थित हों और अपना सहयोग प्रदान करें। क्या है ध्यानु भक्त की गाथा? जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था उन्हीं दिनों की ये घटना है। आगरा के रहने वाले निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह के पूछने पर ध्यानु भक्त ने बताया कि वे ज्वाला माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर अकबर ने माँ की शक्ति पर शंका जाहिर की और कहा कि मैं तुम्हारे घोड़े का सिर अलग कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी माता में शक्ति है तो इसे जोड़ कर दिखाए। जिस पर ध्यानु भक्त ने एक माँ का समय अकबर से मांगा और माँ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। ज्वाला जी पहुंचकर ध्यानु भक्त ने माता की भक्ति की, लेकिन कई दिनों बाद भी माता के प्रसन्न नहीं होने पर ध्यानु भक्त ने अपना सिर काट कर माता के चरणों में भेंट कर दिया, जिस पर माता प्रसन्न हुई और दर्शन दिए। उसी समय दिल्ली में घोड़े का कटा हुआ सिर भी जुड़ गया और ध्यानु भक्त का सिर भी जुड़ गया। इस घटना के बाद अकबर बादशाह आश्चर्य में डूब गया और ज्वाला जी की ज्योति को बुझाने के लिए लोहे के मोटे तवे रखवा दिए तो एक नहर का बहाव भी मोड़ दिया, लेकिन ज्योति फिर भी जलती रही। सारी कोशिशें नाकाम होने पर अकबर ने
विद्वानों से परामर्श किया और स्वयं जाकर चमत्कार देखने के लिए निकल पड़ा। अकबर ने शुद्ध सोने का छत्र नंगे पांव माता के दरबार में पहुंचे और छत्र चढ़ाया, लेकिन ज्योति पर चढ़ाते ही छत्र टूट गया और विचित्र धातु का बन गया। बाद में अकबर ने माता से माफी मांगी और माता के चमत्कार को माना। अकबर का भेंट किया गया खंडित छत्र आज भी माता ज्वाला जी के दरबार में मौजूद है। इतिहास ऐसा है, माँ की कृपा से ध्यान भक्त जी हैं, ये टपरा गांव के रहने वाले थे जो आगरा के पास है। 1588 में इनका जन्म हुआ, 450 साल के करीब हो गए आज। तो बहुत बड़े भक्त हुए माँ भगवती के, ये इनके साथ बहुत आदमी जुड़े हुए थे और वहाँ से ये पैदल माता के दरबार में मंजूश्री माता मंदिर, माँ ज्वाला के मंदिर हमेशा आते थे। साल में एक बार इनके साथ बहुत बड़ी मंडली थी, हजारों लोग इनके साथ चलते थे। तो टपरा गांव से ये आ रहे थे दिल्ली में, उस ज़माने में अकबर का राज होता था। अकबर के ज़माने में देखा कि बहुत बड़े काफ़ी संगत आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं कि हमारे को चढ़ाई तो नहीं कर देंगे, क्योंकि राजाओं को डर होता उस वक्त। और जो राजाओं के सैनिक सुने अंदर, अकबर को निमंत्रण पता किया कि ऐसे ऐसे इतने बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, तो कहीं ऐसे नहीं उनको खतरे की घंटी हो या हमारे पर कोई चढ़ाई करने वाला तो नहीं आ रहा है। आज अब वो सैनिक जो थे वो जहनु भाई जी को पकड़ के ले गए, उनके पास हम पेश किया। अकबर ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो? उस वाले मैं माँ का वक्त हूँ, माँ के दरबार में जा रहा हूँ ज्वाला माता जी, और ये संगत है मेरे साथ है, क्योंकि ढोल ढोल धमाके के साथ चले थे, घोड़े वगैरह के साथ होते थे। तो उन्होंने रोक दिया वहाँ पर, पर्ची हो या ऐसे ही हो, और अब बड़ी भारी शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो मुसलमान जाति के थे। तो अब हिंदू ने बोला कि माँ कितनी शक्ति, तो हमें दिखाओ उसका, माँ का कोई शक्ति दिखाओ उसका। उन्होंने कहा कि शक्ति माँ की, अब वो क्या दिखाएं? उन्होंने बोला कि माँ जो है वो मरे हुए आदमी को जीता कर देती है, इतनी शक्ति उसके अंदर है। उन्होंने बोला तुम्हारे घोड़े का सिर काट देते हम, इसको जीता करो। अब घोड़े का सिर काट दिया वहाँ दिल्ली में, अब घोड़े सिर काट दिया और उसको बोले जीता करो। अब वो ध्यान उसने फंस गया, उसने माँ को याद किया, बैठा सारी रात बैठा माँ भगवती जी के उसमें भजन में ध्यान में, और माता ने माता को उसने बोला कि अब मेरी परीक्षा की घड़ी है, आपकी भी परीक्षा है और मेरी परीक्षा है, तेरे को संसार मानता है, संसार की तू मालिक है, आज ये परीक्षा तेरी भी और मेरी भी है, तो इस परीक्षा के अंदर अब तो अपना चमत्कार दिखा कोई। अब वो घोड़े का सिर जो वो जहाँ तेवल ने बंद हो वहाँ उसको सुबह देखा तो टूट चुका था। अब उसने बोला कोई शायद कोई ऐसा कोई तांत्रिक तो नहीं, ऐसा कोई काम तो नहीं जिससे सिर जुड़ गया इसका। तो अब उसने बोले तो अपनी माँ की और मुझे शक्ति बता कोई। अब उसने बोले माँ की शक्ति तो यही है कि जो माँ ने किया है। तो उससे पहले जब माँ ने उसको मतलब माँ जब नहीं आई, उससे पहले घोड़े से जुड़ने से पहले उसने अपना सिर जो माँ के चरण में रख दिया था कि माँ अब इसको जोड़ने तो मैं सिर अपना सिर तेरे हवाले कर देता हूँ, उसने अपना सिर जो उसके हवाले कर दिया था। जब वो हवाले किया था तो माँ प्रकट होती थी, फिर उसके घोड़े का सिर जुड़ा था और जो जब वो जो उसका खून की धारा बही वहाँ पर और उसका भी सिर जुड़ गया और उसी से फिर माँ ने ही उसके सिर के ऊपर वो लाल पगड़ी रखी थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।